सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों कल मैं सर्फिंग कर रहा था एंड मैं एक ऐसी वेबसाइट पर लैंड हुआ जहां पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। 15 साल का लड़का बाइक एक्सीडेंट हुआ जिसका ब्रेन डेड हो गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया वो कोमा में चला गया। उसके बाद डॉक्टर के कहने पे उन लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया ऑर्गन डोनेट करने का। सारे ऑर्गन डोनेट किए एंड 7 लोगों की लाइफ बच गई। 7 लोगों की। एक्चुअली दोस्तों ऑर्गन डोनेशन कोई नई चीज नहीं है, हम सब लोगों ने उसे सुना हुआ होता है, लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो वो एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। डॉक्टर भी हिचकिचाता है कि बात करे या ना करे, क्योंकि सैड मोमेंट होता है। हमारी लाइफ से कोई चला गया, अगर हमें कोई ऐसा बोले कि इसके ऑर्गन दे दो, थोड़ा टफ लगता है, लगता ही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि वो जो मर गया है अब वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके ऑर्गन डोनेट करोगे तो उसकी ऑर्गन की मदद से 7 लोगों की लाइफ बच सकती है। मतलब सोचिए कि एक आदमी जो मर गया वो 7 लोगों में जिंदा रह सकता है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा और वो इंडिया में था और बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली जो उसका हार्ट था वो पोथीस हॉस्पिटल चेन्नई में शिफ्ट किया गया था, लंग्स ग्लोबल हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए थे, किडनी मणिपाल हॉस्पिटल एंड अरुण किडनी सेंटर में शिफ्ट किए गए थे, आईज शंकर नेत्रालय में शिफ्ट किए गए थे एंड लीवर आयुष हॉस्पिटल में। ये डिसीजन बहुत टफ होता है। दोस्तों मैंने कुछ साल पहले ही ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म फिल कर दिया है। जब मैं मरूंगा एनजीओ आएगा, मेरे ऑर्गन्स ले जाएंगे, लेकिन आप सोचिए काफी सारे लोगों की लाइफ मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आज इंडिया में बहुत सारी हॉस्पिटल है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ बहुत ही कॉस्टली होती है, लेकिन सोचिए कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास पैसा है लेकिन वो ऑर्गन नहीं खरीद सकता मार्केट में जाके। आपको पेसमेकर चाहिए मार्केट में मिलेगा, लेकिन हार्ट नहीं मिलेगा, वो बनाना भी इम्पॉसिबल है, वो नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप डोनेट करोगे तो किसी एक बंदे की लाइफ बचेगी। आप सोचिए आप, आपके रिलेटिव मान लीजिए फादर है, मदर है, आपका सन है, लड़का है, लड़की है, अगर वो एक बार चले गए तो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर उनके ऑर्गन डोनेट किए तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। आज इंडिया में ये फैसिलिटी है कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी हमें बहुत ही हेल्प करती है। आपने काफी सारे किस्से सुने होंगे कि पूरा रूट क्लियर कर लिया ताकि जो बस है, एम्बुलेंस है, वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच सके, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। हमें सारी ओर से मदद मिल रही है, लेकिन हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, हम डोनेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही हार्ड डिसीजन होता है, लेकिन अगर आप ये डिसीजन लोगे बहुत सारे लोगों की जान बचेगी। आप सिर्फ इतना सोचिए कि जो एक्सपायर हो चुका है, जो मर चुका है, उसके ऑर्गन से किसी और को लाइफ मिलेगी। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो एक्सपायर हो चुका है अभी वो किसी और में जिंदा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर हम सब ये डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक लाइफ मिलेगी। जो ब्लाइंड है वो, उन्हें विजन मिलेगा। जिनके पास किडनी अच्छी नहीं है उनके अच्छी किडनी मिलेगी, वो अच्छी एक हेल्दी लाइफ जी सकेगी। ये बहुत टफ डिसीजन है, अगेन मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर ये एक चेंज आया तो बहुत सारे लोगों की लाइफ बच जाएगी। काफी सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए ऑर्गन डोनेशन की। ये बहुत ही अच्छी चीज है। हम ब्लड डोनेट करते हैं जिससे हम 3 लोगों की लाइफ बचाते हैं। वैसे ही अगर हम मरने के बाद किसी के काम आए तो वहां पे हम 7 लाइफ तक बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई फैक्ट स्टोरी है। आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी जिसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, मुझे पढ़ के बहुत ही प्राउड फील आया कि कोई पेरेंट्स ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं। दोस्तों बस यही कहना चाहता था कि आप भी ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म फिल कीजिए, आप मरने के बाद भी बहुत काम आओगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक। शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। डाउनलोड करिए, शेयर कीजिए सारे सोशल मीडिया पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, यही मेरा मोटिव है।
शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।